नमस्कार, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਕਨ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। इस नाल कांग्रेस पंजाबियों के जख्मों से नमक छिड़कन का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि माकन स्क्रीनिंग कमेटी की अगवाई करने के योग नहीं, जिस विच अंबिका सोनी और सुनील जाखड़ वर्गे दिग्गजा नूं उन्हां दे अधीन रखा गया है। इस दे नाल ही श्रोमणी अकाली दल वालों अजय माकन पंजाब सरकार ने सुनी गरीबां दी गुहार। बसेरा स्कीम दे तहत झुग्गी चौंपड़ी च रहण वालियां दे घर कीते उन्हां दे नाम। ग्यास नाम है जी, लाडू में रहते हैं। मालकों ने हक दे दिया हमें, चन्नी साहब ने, उनका धन्यवाद करते हैं। और जेडे अपने चन्नी साहब हैं पंजाब के साहब, उन्होंने यूं मतलब सर्टिफिकेट दे रखा है झुग्गियों वास्ते। आज तक झुग्गियों वास्ते पंजाब के अंदर कोई इतनी भी सरकार आई, किसी ने भी मतलब नहीं दिया। दिवाली वाले दिन सीएम चन्नी ने गरीबां दे घर च बाले दीवे ते रोशना दित्ती उन्हां दी जिंदगी। इस दे नाल ही पंजाब दे विच बसेरा स्कीम लेके आंदी है, जिहदे तहत जिन्नियां पुराणियां बस्तियां सलाम एरिए है वह पंचायतां दे नाम जमीन खड़ी है, लेकिन 70-70 साल दे लोग उहदे च रह रहे, उन्हां दे नाम नहीं हो रही। दिवाली दे दिन तक जिहड़े सलाम एरिए दे विच लोग रहिंदे है, जेड़ी उन्हां दे नाम जमीन नहीं, मैं आप जाके उन्हां दे घर च दीवा बाल के उन्हां नूं सन्नत फड़ा देनी है कि दिवाली वाले दिन के आ जमीन थोड़ी थोड़ा घर थोड़े नाम कर। पंजाब सरकार का आप हमें छत देने जा रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब सरकार लोकां दी सरकार। स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त करने ते कांग्रेस नूं केरिया अकाली दल दे सीनियर आगू बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि गांधी परिवार 1984 दे सिख कतलेआम लई जिम्मेवार सीनियर आगुआ दे रिश्तेदारां नूं अहम जिम्मेवारियां सौंपण लई तुलिया होया है। उन्हां कहा कि यह बहुत ही मंदभागी गल है, जदों कि जगदीश टाइटलर विरुद्ध अदालत दे विच दोष आयद किए जा रहे ने, तां गांधी परिवार ने माकन परिवार नूं इनाम देण लई चुनिया है। उन्हां कहा कि यह इस गल दा सूचक है कि गांधी परिवार अते कांग्रेस हाईकमांड सिखां अते उन्हां दीआं भावनावां दा किन्ना ख्याल रखदे ने। मजीठिया ने गल ए भी कही कि हैरानी प्रगटाई कि ना तां मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अते ना ही गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा जां सूबा कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने माकन दी नियुक्ति ते इतराज़ जताया। इस तरह लगदा है कि इस सारे आगू अपने हितां दी राखी लई सिख कौम दे हितां दी कुर्बानी देण लई तैयार ने। उन्हां कहा कि अमन शांति अते भाईचारक सांझ प्रति वचनबद्धता कारण श्रोमणी अकाली दल दा समर्थन करन वाली कांग्रेस पार्टी दी फुट पाओ राजनीति नूं नकार देणगे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 84 च जो दुखांत वापरिया, जिन्हों यूएन ने भी एक जेनोसाइड दसिया, इंटरनेशनल बॉडीज ने इनू सब तो वड्डा नसलकुशी कही गई है सिखा दी, उहदे ते इंसाफ दी बहुत लंबे समय तो अरदासा बेनतियां गुहार लाई जा रही सी। अज 37 साल बाद जिन्हों गांधी परिवार ने सज्जन कुमार वर्गियां नू, जगदीश टाइटलर वर्गियां नू, HKL भगत वर्गियां नू, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਕਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆਏ, ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਏ, ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਚਾਰਜਸ ਫਰੇਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਅਗੇਨ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 37 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ 34 ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੱਲ 34 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ MP ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ,
अज जब थोड़े को वजीरी देना एम पी बना चौथी मैंबरी कमेटी का आपकी निकटवर्ती कोर ग्रुप का गांधी परिवार का मैंबर बनाता। इस तरह माकन जिस परिवार का यह इल्जाम से जिस परिवार से जेडे नारे लाते कि बच्चा सरदार का देश के गद्दार का मारो सिख को देश के गद्दार को ये लोग जेड़े सिख भाईचारा जेड़े इंसानियत वास्ते देश वास्ते एड्डी वड्डियां कुर्बानियां दे गए और उन्हां बारे गांधी परिवार को खुश करने वास्ते राजीव गांधी की सत्तियां खब्बियां भाजपा ये कहिंदियां सी ये नारे लाउंदियां सी। अज पंजाब का उन्हूं इंचार्ज चेयरमैन लाता ऑफ ये जिहड़ी स्क्रीनिंग कमेटी कि कांग्रेस की गांधी परिवार की कदे पंजाबियों प्रति या इंसाफ पसंद लोगों प्रति या इंसानियत च विश्वास रखने वाले लोगों प्रति कभी सोच नहीं बदलूगी और मैं जिथे इस सोच की निखेधी करदा और आस करदा उम्मीद करदा कि यह माकन परिवार से भी एक्शन होगा जिन्होंने उस वेले एच के एल भगत जगदीश टाइटलर सज्जन कुमार वर्गियां नाल रल के हजारा ही निहत्ते गुरसिख बच्चे बच्चियां का कतलेआम किया जेनोसाइड किया और अज तक बचे फिरते अज उन्होंने फिर साढ़े जले से नून छिड़कने वाली गल है। ड्रग केस नूं लैके पंजाब कांग्रेस दे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते निशाना कसिया है। सिद्धू ने कहा कि हाई कोर्ट विच पई सीलबंद स्पैशल टास्क फोर्स दी रिपोर्ट खोलण ते कोई रोक नहीं सी, इस दे बावजूद कैप्टन अमरिंदर सिंह अते साबका एजी अतुल नंदा ने कोई कार्रवाई नहीं कीती। उन्हां कहा कि इंसाफ सारे नैतिक फर्जा दा जोड़ है। उन्हां इह वी कहा कि इन्हां दोवां दे मुख दोषियां नूं बचाउण लई जान बुझ के देरी कीती, नशिया दी रोकथाम लई सख्त कार्रवाई कीती जानी चाहीदी है। उन्हां इह वी कहा कि समां आ गया कि नवीं सरकार पंजाब दोखियां दे पापा दा घड़ा भन्ने। उन्हां इह वी कहा कि गलतियां सुधार के नशिया अते बेअदबी दे दोषियां नूं सख्त सज़ा दिओ, इह लोकां विच विश्वास बहाली दा साडा रस्ता है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वालों कोरोना वैक्सीन की दूजी खुराक ली गई। इस तो बाद मुख्यमंत्री चन्नी ने लोगों को कोविड के नवे रूप ओमिक्रोन तो होने वाली संभावी इनफेक्शन तो बचाने के लिए किसी भी किस्म की ढिल मठ दिखाए बिना जल्दी तो जल्दी अपना टीकाकरण करवाने की अपील की। पंजाब भवन विखे ओमिक्रोन के मद्देनज़र किसी भी स्थिति का सामना करने लिए तैयारियों का जायजा लैण लई मीटिंग की प्रधानगी करदिया मुख्यमंत्री ने सेहत अते मैडिकल सिक्ख्या खोज विभागों नूं टीकाकरण मुहिम विच होर तेजी लियाउण दे लई मिल के काम करन दे निर्देश दिते तां जो सूबे भर दे विच सारे योग व्यक्तियों का जल्द तो जल्द टीकाकरण किया जा सके। ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग रोजाना सरगर्म रहिंदे होए नजायज़ चल रही बसां ते कारवाई करदे ने, जिससे उसके उपर सियासी रंजिश के तहत कार्रवाई करने के दोष भी लगाए जा रहे हैं अते हाई कोर्ट वालों बसा छड्डण दे लई फिटकार लगाई जा रही है। इस ते राजा वड़िंग ने कहा कि अजिहा कुछ नहीं है, जो बसा बिना टैक्स दिते चल रही ने उन्हां ते कार्रवाई की जा रही है, जो टैक्स जमा नहीं करवा रहे उन्हां ते परमिट रद्द किए जा रहे ने, जो टैक्स जमा करवा देंदे ने उन्हां दीआं बसां छड्ड दित्तियां जांदियां ने। उन्हां इह वी कहा कि अजिही कार्रवाई रोजाना होवेगी अते कोई भी नजायज़ चल रही बस बर्दाश्त नहीं कीती जाएगी। जो दो तीन लोग गैर हाजिर से उन्होंने दसिया कि ये लोग गए हुए हैं कितने काम से, ऑलरेडी कितने काम इन्होंने लगाया हुआ है, कुछ लोग कागज पत्र लेके अगे गए। मंत्री जी, एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जेकर गल करिए हाई कोर्ट की बार बार टिप्पणियां आ रही हैं, हुण न्यू दीप ट्रांसपोर्ट को लेकर जिस ढंग का फैसला आया, अज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हुए नजर आए, कई तरह के सवाल उन्होंने खड़े करते हुए कह रहे हैं कि पोलिटिकल वेंडेटा तुम शुरू कर दो। देखो 86 उन्होंने परमिट से 86 परमिट्स असी पहला उन्होंने कहा कि तुसी लोग इहदे पैसे भरो, उन्होंने पैसे नहीं भरे, उन्होंने एक इंस्टॉलमेंट दी, फिर वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने कहा कि तुसी भाई अपने पैसे पूरे भरो, ये डिपार्टमेंट की मर्जी है कि वह इंस्टॉलमेंट करे या ना करे। फिर उन्होंने 20 दिन असी उन्होंने टाइम दिता, उन्होंने पैसे नहीं भरे। उस तो बाद उन्होंने 60 लाख रुपया पहला ते असी फिर उदां दे परमिट रद्द कर दिते गए 86 परमिट, बिकॉज देर इज़ अ प्रोविजन एक्ट दे तहत कि अगर कोई टैक्स नहीं भरदा तो उरे परमिट रद्द कर देने चाहिए, असी रद्द कर दिते। जो परमिट रद्द कर दिते गए 2-3 बारी सुनवाई हुई, 15 दिन उन्हां दीआं बसेस बंद रही। मानयोग हाईकोर्ट ने कहा लास्ट विच उन्हां नूं पहला कोई स्टे नहीं दिता, इंटरिम नहीं दिती कि असी सही सी, असी एक्ट के अधीन उन्होंने पैसे नहीं दिते इस करके रद्द कर दिते गए।
फिर मानयोग हाई कोर्ट ने कहा कि तुसी यार इन्होंने पैसे, फिर उन्होंने पैसे भरवा के फिर वो आए लेंदे सर कि हुण तां असीं सारे पैसे भर दिते गए ने, साडियां बसेस छड़ दित्तियां जाण। तां हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है अगर इन्होंने पैसे भर दिते गए ने तां इन्हां दीआं बसां छड़ दित्तियां जाण। असीं कह रहे सी कि इन्हां दे परमिट रद्द कर दिते गए है जदों टैक्स नहीं भरिया, पर हाई कोर्ट ने कहा कि चलो छड्डो इस गल नूं, तुसीं इन्हां दी टैक्स करके ही बसां दे परमिट रद्द कीते ना। असीं कहा बिल्कुल, उन्होंने कहा कि चलो इन्होंने हुण टैक्स भरता। मानयोग हाई कोर्ट की अदालत उन्होंने कहा कि बसें छड़ दिओ, असीं छड़तियां, लेकिन उन्होंने कहा कि तुसीं कानून के मुताबिक काम कर लो। इन्हों के 36 परमिट जिहड़े ने होर है जिहड़े कि वैलिड नहीं है, जिहड़े रीन्यू नहीं है। सो असीं वो बिल्कुल नहीं उहदे ते कोई कार्रवाई, असीं वो रद्द है तो वह रद्द है, स्टिल ना हो इहदे ते कोई हाई कोर्ट की टिप्पणी नहीं आई, इस करके वो रद्द ही रहेंगे। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਏਰੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ BSF ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਪੇ ਬੈਠੇ ਹੈਂ, ਸਮਝ ਸਕਤੇ ਹੈਂ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ। ਸਰ ਹਮ ਮੈਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਸੇ ਆਤਾ ਹੂੰ, ਬਦਕਿਸਮਤ ਸਟੇਟ ਸੇ, ਜਿਸਕੋ ਸਰ ਫਾਰ ਲਾਸਟ 55 ਈਅਰਸ ਸਰ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਭੀ ਤੱਕ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਸੇ ਆਤਾ ਹੂੰ ਜਿਸਕੋ ਅਭੀ ਤੱਕ ਜੋ ਡੈਮ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਕੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਕੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, और सर गुरुद्वारा कमेटी हमारी इलेक्शन वो भी सेंटर के अंदर है, हमारे पंजाबी स्पीकिंग एरिया है वो भी हमें नहीं मिले। सर जो आज उससे भी बड़ी जत, जो सर रिसेंटली अमेंडमेंट हुई है सर, नोटिफिकेशन किया गया है 2014 में जो नोटिफिकेशन था सर, जो क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ सर, BSF आगे 15 किलोमीटर थी तो उसे बढ़ा के सर 50 किलोमीटर कर दिया है। अब वही वहां पे रेड कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, सीजर कर, कुछ भी पकड़ सकती है। सर, सर ये माय डिमांड सर, क्योंकि इलेक्शन आ रही है वहां पे, ये चीजें प्रॉक्सी यहां से सेंटर से BSF से कंट्रोल किया जाए पंजाब को, इसलिए सर ये किया जा रहा है सर, वहां पे क्लैशेस होंगे। लोकल पुलिस सर, गोल्डन टेम्पल भी इनके अंडर, दुर्गियाना मंदिर भी इनके अंडर, अमृतसर सारी सर, आधे डिस्ट्रिक्ट सर इनके अंडर आ गई है, और वहां पे लोकल पुलिस के क्लैशेस होंगे आने वाले दिनों में। इसलिए क्या चाहिए आप? पंजाब पुलिस भिड़ेगी, इसको सर वापस लेना चाहिए। लोगों के अंदर क्या करना है सर, BSF ने आके बॉर्डर पे रहे वो भी हमारी सिक्योरिटी फोर्स है, लेकिन अंदर शहरों में उसे आने से रोकिए, और पंजाब में ये सेंसिटिव इशू है। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਡਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣੇ ਰੋਕਣਾ ਸਾਡੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੂਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ
उहदे च मजदूर किसान उहदे च एक्स फौजी रिटायर्ड इंपलॉयज सारे वर्गां नूं मिल के उहनां दीआं जो आकांक्षावां ने सरकार दे क्योंकि आंदी गवर्नमेंट भी कांग्रेस दी होणी है वह असीं पूरियां करांगे असीं लिखांगे मैनीफेस्टो च उह चीज़ जिहड़ी असीं पूरी कर सकदे। ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆਸੀਆ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਜਤਾਈ ਆਪੱਤੀ। ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।